वालेकुम, वेलकम टू एम एच बी ऑटो ब्लॉग्स। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं ह्यूंडई एक्सेंट 2020। ये फिफ्थ जनरेशन है ह्यूंडई एक्सेंट का और ये काफ़ी मार्केट में, जैसे कि इंडिया और कोरिया में ह्यूंडई वर्ना के नाम से जानी जाती है। और पता करते हैं कैसी है गाड़ी। और सबसे पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल। चलिए बात करते हैं इसके फ्रंट लुक की। ये फेस लिफ्टेड मॉडल है, प्रीवियस जनरेशन से फेस लिफ्ट किया गया है और काफ़ी अच्छा सेटअप दिया गया है। और पहले से काफ़ी गाड़ी बड़ी और बल्की लगती है। और इसमें फॉग लैंप्स बाय डिफ़ॉल्ट आ रहे हैं अभी स्टार्टिंग वेरिएंट में भी। और इसकी ग्रिल काफ़ी बेहतर लग रही है। और चलिए बात करते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की। और बात करते हैं साइड डायमेंशन की। इसकी लेंथ है 4.4 मीटर और विड्थ है 1.7 मीटर और हाइट इसकी है 1.4 मीटर की। और व्हील बेस 2.6 मीटर का व्हील बेस है इसका। और इसमें हमको मिलते हैं 15 इंच के टायर्स। और अगर आप हायर एंड गाड़ी लोगे तो उसमें मिल जाएंगे आपको 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। और अब बात करते हैं इसकी रेयर प्रोफाइल की। वेल, रेयर प्रोफाइल में अब गाड़ी काफ़ी बड़ी लगती है और काफ़ी ह्यूंडई एलेंट्रा से मेल खाती है। और इसमें दिया गया एक्सेंट की बैजिंग और 1.6 लीटर इंजन है इसमें। और रेयर प्रोफाइल काफ़ी अच्छा मैचअप करती है बाइक के डिज़ाइन से। चलिए बात करते हैं इसके इंटीरियर्स की। इंटीरियर्स काफ़ी बेहतर है प्रीवियस जनरेशन से और ह्यूंडई हमेशा बेहतरीन इंटीरियर्स बनाता है। काफ़ी अच्छा सेटअप दिया गया है, डैशबोर्ड काफ़ी बेहतरीन लग रहा है और कुछ फीचर्स मिस आउट हो रहे हैं, जैसे कि क्लाइमेट कंट्रोल है, ये बेसिक एसी दिया गया है और एसी काफ़ी बल्की है। और सिल्वर एक्सेंट्स काफ़ी बेहतरीन लग रहा है एसी के अराउंड। और एप्पल का इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम मिस आउट हुआ है जो कि। और बात करते हैं स्टेयरिंग की, स्टेयरिंग काफ़ी बेहतरीन और रेस्पॉन्सिव है। इसमें आपको स्टीरियो माउंटेड कंट्रोल्स है, कॉल कट भी कर सकते हैं आप। और अडाप्टिव क्रूज कंट्रोल दिया है जो कि काफ़ी बेहतरीन फीचर है कार में। और बात करते हैं इसके ओडोमीटर की। ओडोमीटर कुछ ख़ास फीचरिस्टिक तो नहीं है, बस बेसिक रीड आउट्स है आपको, डिस्टेंस टू एम्प्टी, फ्यूल इकोनॉमी। और इसकी काफ़ी बेहतरीन फ्यूल इकोनॉमी है, अप टू 550 किलोमीटर्स पर टैंक रेंज है इसका। और इंजन टेम्परेचर और ये रहा वाइपर के कंट्रोल्स। और इसमें है 6-speed ऑटोमेटिक CVT गेयरबॉक्स जो कि अच्छा लगा मुझे, बहुत ही अच्छा। और इसमें USB केबल और चार्जिंग फैसिलिटीज भी अवेलेबल है, कार चार्जर लगा सकते हैं आप। और ऑक्सिलरी पोर्ट भी है और ये लाइटर। और इसमें जो है दो कप होल्डर्स है और बॉटल होल्डर और ये मिरर कंट्रोल्स है, जितने भी आपके विंडोज़ है इसको कंट्रोलिंग बटन्स है। और मिरर रिव्यू मिरर्स कंट्रोल है कंट्रोलर्स। और काफ़ी ग्लव बॉक्स काफ़ी बेहतरीन लगा, अच्छा है, साइज भी ज़बरदस्त है। और चलिए बात करते हैं इसकी रेयर सीट की। रेयर सीट हमेशा से ह्यूंडई वर्ना में इश्यू रहा है कि रेयर सीट में उतना लेग स्पेस, उतना रूम नहीं रहता है, लेकिन ये जनरेशन में कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं किया है ह्यूंडई ने। ह्यूंडई से काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी पर ये जनरेशन भी कुछ खास नहीं किया है, लेकिन फिर भी अच्छा है कार, अच्छे कंफर्टेबल है, सीट्स वगैरह बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और इसमें रेयर एसी वेंट्स है जो कि ये आजकल स्टैंडर्ड हो चुका है ये वेरिएंट्स में भी, तो बहुत ही अच्छा एडिशनल फीचर। और चार्जिंग फैसिलिटीज़ भी है रेयर पैसेंजर के लिए, कार चार्जर लगा सकते हैं। ये बात करते हैं इसकी बूट स्पेस की। बूट स्पेस काफ़ी बेहतर है, 400 लीटर का बूट स्पेस है इसमें, दो बड़े बैग्स और एक छोटा बैग आराम से। चलिए चेक करते हैं इस कार का परफॉर्मेंस।
चलिए अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की। वेल, इसका इसमें है 1.6 लीटर इंजन जो प्रोड्यूस करता है 123 bhp ऑफ पावर और 151 नैनोमीटर ऑफ टॉर्क एट 6300 rpm पर। जो इंजन काफ़ी स्मूथ और लीनियर है, बहुत ही शानदार है और इसके कंपटीशन में काफ़ी जितने भी निसान सनी हैं और होंडा सिटी, टोयोटा यारिस, उनसे वो कार भी ड्राइव कर चुका हूँ, लेकिन ये गाड़ी मुझे ज़्यादा बेहतर लगी। हैंडलिंग में, हर चीज़ में बहुत ही ज़बरदस्त। फुल मॉक्स टू ह्युंडई। और इसकी सीट बहुत ही कंफर्टेबल है और इसमें सस्पेंशन भी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, जो कि बहुत ही आरामदायक राइड देता है। स्पेशली जैसे कि अभी स्पीड ब्रेकर्स है तो अब इसके बम्प्स बहुत ही अच्छा अब्जॉर्ब करता है, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और इसके राइवल्स की बात करते हैं तो इसमें है इसके काफ़ी बहुत ही बेहतरीन कार के अगेंस्ट ह्युंडई ने इसको प्लेस किया है, जैसे कि होंडा सिटी और निसान सनी और टोयोटा यारिस, काफ़ी वेल स्टैब्लिश कार थे ये भी। तो अगर आपको एक रिलायबल इंजन और कम मेंटेनेंस वाली गाड़ी चाहिए तो आप यारिस के लिए जा सकते हैं, और आपको स्पेशियस और कंफर्टेबल राइड चाहिए और आपको ज़बरदस्त इंटीरियर चाहिए तो आप होंडा सिटी ले सकते हैं। और निसान सनी भी बहुत ही काफ़ी मशहूर और मारूफ गाड़ी है। और अब बात करते हैं इसके रीजंस क्यों ख़रीदना चाहिए इस कार को। तो सबसे पहली बात है ह्युंडई का ब्रांड, ह्युंडई काफ़ी अच्छा ब्रांड हो चुका है और ऑल ओवर द वर्ल्ड ये कार चलती है। और ह्युंडई एक्सेंट ये इसका फिफ्थ जनरेशन है, काफ़ी जनरेशन से चल रही है गाड़ी और काफ़ी अच्छा इंजन, रिलायबल है और इंटीरियर भी बहुत ही ज़बरदस्त है और हायर एंड में काफ़ी फीचर्स लोडेड है। तो बस इतना ही, फिर मिलेंगे। वीडियो देखने का आपका भी बहुत शुक्रिया। जल्दी मिलते हैं फिर और अच्छी बेहतरीन कार के साथ। बहुत शुक्रिया।